ये अयोध्या में राम जन्मभूमि कैंपस है, जिसके 8 एकड़ में राम मंदिर का परकोटा है। इसी के भीतर करीब 3 एकड़ में मुख्य मंदिर बन रहा है। ये है नागर शैली में बना श्री राम लला मंदिर। इसके शिखर की ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर 3 मंजिला है। हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। जिस चबूतरे पर मुख्य मंदिर बन रहा है उसकी लंबाई 380 फीट और चौड़ाई 250 फीट है। ये मंदिर का परकोटा है। इसमें 6 मंदिर और भी हैं: गणेश, सूर्य, शिव, भगवती, हनुमान और अन्नपूर्णा। परकोटे से होते हुए मुख्य मंदिर परिसर में प्रवेश के 4 रास्ते हैं। आइए अब मंदिर परिसर में चलते हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। हम पूर्व दिशा से प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए जय सियाराम और घंटा बजाइए। सामने श्री राम लला का मुख्य मंदिर दिख रहा है। इससे पहले पूरे मंदिर परिसर को देख लेते हैं। ये परकोटे का गलियारा है। 732 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा। ये राम लला का परिक्रमा पथ भी है। अब मुख्य मंदिर में चलते हैं। हम मंदिर पहुंच चुके हैं सिंह द्वार पर। यहां से सीधा देखिए आपको गर्भगृह के बाहर की झलक दिख रही होगी। इस मंदिर के सभी स्तंभ और आकृतियां राजस्थान से लाए गुलाबी पत्थर के बने हैं। भगवान का स्मरण करते हुए घंटा बजाइए। अब आगे बढ़ते हैं। सिंह द्वार से आगे 5 मंडप हैं। सबसे पहले नृत्य मंडप। ये भजन कीर्तन के लिए बनाया गया है। इसके आगे रंग मंडप से होते हुए आप गुड़ मंडप में पहुंचेंगे। गुड़ मंडप की बाई ओर कीर्तन मंडप बनाया गया है। गुड़ मंडप से दाई ओर देखिए, ये प्रार्थना मंडप है। आप गुड़ मंडप तक ही जा सकते हैं। सामने गर्भगृह दिख रहा है। लीजिए, गर्भगृह के कपाट खुल गए। साक्षात रामलला विराजमान है। दर्शन कीजिए, श्री रामलला को पुष्प अर्पित कीजिए, प्रसाद चढ़ाइए और अब श्री राम ज्योति जलाइए। हर सुन जाए कहीं
मंजूर मंगल मूर्ति।